पोटेंशियोमीटर की और प्रॉब्लम्स के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, तो जैसे ये प्रॉब्लम है, कोई पोटेंशियोमीटर का सर्किट इसमें गिवन है और आपको दो सेल्स गिवन है जिसमें आपको ईएमएफ को कंपेयर करना है। एक सेल है ई1, एक सेल है ई2, और क्वेश्चन में मेंशनड है कि ई1 और ई2 में ई1 बड़ा है और ई2 छोटा है। क्वेश्चन में गिवन है ई1 बड़ा है, ई2 छोटा है। तो जब हम ई1 को हटाएंगे और छोटी ईएमएफ के सेल को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये बताना है कि जो जॉकी है वो कहाँ मूव करेगी, वो लेफ्ट मूव करेगी या वो राइट मूव करेगी। तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि जितनी बड़ी नीचे ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैलेंसिंग लेंथ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, और जितना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैलेंसिंग लेंथ उतनी छोटी होगी। अब क्योंकि पहले ई1 कनेक्टेड था और ई1 बड़ा है, तो बैलेंसिंग लेंथ बड़ी है। बैलेंसिंग लेंथ बड़ी का मतलब जॉकी कहाँ होगी, टूवर्ड्स राइट। बड़ी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ तभी आएगी। जब आपने ई1 हटा के ई2 लगा लिया, ईएमएफ को आपने छोटा कर दिया, तो क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ भी छोटी आ गई। छोटी का मतलब सी थोड़ा कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या आएगा, टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर के अंदर आपको इसमें क्या बताना है कि अगर मैंने रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कैपिटल आर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो कैपिटल आर इंक्रीज करने से पोटेंशियोमीटर का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल आर बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो अब आपको ये बताना है कि फिर उस केस में जब आप इसमें कैपिटल आर को बढ़ाएंगे, तो जॉकी कहाँ शिफ्ट होगी, टुवर्ड लेफ्ट होगी या टुवर्ड्स राइट होगी। तो ऐसे केस में नीचे मान लो ईएमएफ ई है, तो ऊपर भी यहां से यहां क्या डेवलप होने वाला है, ई डेवलप होने वाला है, क्योंकि नीचे अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो बैलेंसिंग लेंथ पे ऊपर 10 ही डेवलप होगा, ना उसे ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं ओम लॉ लगाऊं तो ई किसके इक्वल होगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि रियोस्टैट बढ़ने से, और आर कौन सा, ये आर नहीं, रादर मुझे चेंज करना चाहिए इनटू, मान लो इसकी रेजिस्टेंस आर है, ऐसे रियोस्टैट की वैल्यू कैपिटल आर बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट जब कम होगा तो आपको इस ईएमएफ को क्या रखना है, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, कैपिटल ई कांस्टेंट। तो अगर करंट कम होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आपको स्मॉल आर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन एक कॉन्स्टेंट है और एक टर्म अगर कम हो रही है तो दूसरी टर्म ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो अगर ये टर्म ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्मॉल आर बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगी, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी तो जॉकी कहाँ जाएगी, लेफ्ट की राइट, राइट जाएगी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो क्या आंसर है इसका, टूवर्ड्स बी, बी का मतलब टूवर्ड्स राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? देखो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ऊपर भी 10 वोल्ट ही होगा, तो ई तो कॉन्स्टेंट रहेगा। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस बढ़ने से रियोस्टैट का जो पोटेंशियोमीटर का करंट है वो गिर जाएगा, करंट कम होगा, तो करंट कम होगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। आर बढ़ाने के लिए बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो जॉकी कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स राइट जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पोटेंशियोमीटर की नहीं है, ये मीटर ब्रिज की है। तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर को हम मेजर कर रहे हैं और एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में आर निकालना है, एस की वैल्यू 100 है, जो एस है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो आर हमने निकालना है, मीटर बीच में चार चीज़ें होती हैं, एक आर होता है, एक ये रेजिस्टेंस होती है, एक एल होता है और एक 100 - L होता है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आर मुझे निकालना है, एस मुझे गिवन है 100 ओम, बैलेंसिंग लेंथ गिवन है 2.9, तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 2.9। तो ऑब्वियसली आपको ये ब्रिज बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के बाद रेशियो क्या लगेगी, आर बाय 100 इज इक्वल टू 2.9 डिवाइडेड बाय 100 - 2.9। सॉल्व करके क्या आ गया, आर आ गया, रेजिस्टेंस आ गई। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये फिर से एक एक्सपेरिमेंट करे, एक बार तो उसने कर लिया और आर हमें निकाल के दे दिया 3 ओम,
तो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट फिर से एक एक्सपेरिमेंट करे और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करे, बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, उसको लग रहा है ये बढ़िया रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या ऐसा करे ताकि रिजल्ट एक्यूरेट आए। हमने मीटर ब्रिज के अंदर एक पॉइंट नोट किया था, क्या पॉइंट नोट किया था कि अगर मीटर ब्रिज सही और एक्यूरेट काम कर 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 हम चाहें कि वो करे, तो जॉकी कहाँ होनी चाहिए, मिड पॉइंट पे, और रेजिस्टेंसेस दोनों कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब जैसे ऐसा ना हो कि एक 1000 ओम है एक 1 ओम है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और मेरे इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, एक आ गया 3, एक आ गया 100, तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब जो नोन रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 के आसपास, 3 ओम या 3 के आसपास, ताकि जो बैलेंसिंग पॉइंट है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस ना आए। 2.9 और 100 माइनस 2.9, तो जॉकी कहाँ पर रहेगी, ऑलमोस्ट एट मिड पॉइंट रहेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो अगर ये 3 ओम है, अगर ये 3 ओम आया तो एस को भी अप्रॉक्सीमेटली 3 ओम ही रखना पड़ेगा ताकि रिजल्ट क्या आए, सही और एक्यूरेट आए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उसको एस को क्या करना पड़ेगा, 3 ओम, और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंस हमारे हाथ में होती है। तुम 100 पुट करो, 200 पुट करो, 3000 पुट करो, जो मर्जी पुट करो, तो वहाँ से आर तो आ ही जाएगा। आर आ गया 3 ओम, तो आर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 ओम है। जब आपको पता ही लग गया कि अननोन रेजिस्टेंस 3 ओम के आसपास है, तो नोन रेजिस्टेंस आप चेंज कर लो, तो जरूरी आपने 100 पुट करनी, आप 3 पुट करके काम कर लो, तो आपका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दे दी आर, आप वो कैसे चेंज करोगे? एक तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सर ये लो बच्चे ये आर की वैल्यू बताना, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं इसको चेंज करके बताऊंगी, तो मैं तो पहले नहीं बता आर कितना है, तुम क्या चेंज करोगे? तो तुम आर को तो चेंज ही नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में तो नॉन रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, और नॉन रेजिस्टेंस कितनी है, एस, ठीक है? तो आप एस को ही चेंज कर सकते हो, आप आर नहीं कर सकते, आर तो जो मैं दूंगा वही मेजर करना पड़ेगा, ठीक? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं 1 मीटर है, इसमें 1 मीटर है, ज़्यादा भी हो सकती है, 1 मीटर है, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10, तो इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इट इज़ कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2, तो इट इज़ कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस, तो कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रियोस्टैट की, एंड कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर की बैटरी की बात कर रहे हैं, जो कि 2 वोल्ट है, ठीक है? यहाँ तक 2 वोल्ट है, तो इस केस में ये 2 वोल्ट है और आर है, राइट? अब इस केस में अ सोर्स ऑफ EMF 10 मिलीवोल्ट, तो 10 मिलीवोल्ट है, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपने एक बैटरी की EMF को मेजर किया, जो बैटरी की EMF 10 मिलीवोल्ट है उसको आपने मेजर किया, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 40 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, राइट? तो बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो आपको क्या निकालना है, आपको इसमें कैपिटल आर निकालना है, रियोस्टैट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, राइट? तो रूल क्या है, आप किसे मेजर कर रहे हो, आप ये देखो, आप एक बैटरी को मेजर कर रहे हो, बैटरी की EMF मेजर कर रहे हो, तो आपने बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, तो अगर नीचे 10 मिली वोल्ट है तो ऊपर भी कितने मिली वोल्ट आएगा, 10 मिली वोल्ट ही आएगा, मानते इस चीज़ को, 10 है तो 10 आएगा, और 10 मिली वोल्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ अगर ओम दो लगाएंगे और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 40, तो 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ का करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो ओम लॉ कितने सेंटीमीटर पे लग रहा है, 40 पे लग रहा है, तो यहाँ पर अगर 10 मिली वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 मिली वोल्ट, तो यहाँ पर 10 मिली वोल्ट है तो यहाँ ओम लॉ लगाओ, तो 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू करंट आए, जो यहाँ से करंट जा रहा है आए, इनटू रेजिस्टेंस कितनी 10, तो ये लिखा हुआ है कि सॉरी 10 नहीं, रेजिस्टेंस कितनी 40 सेंटीमीटर की, 10 ओम तो पूरी रेजिस्टेंस है, सॉरी, तो निकाल लेंगे इसे हम, तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 मिली वोल्ट इज इक्वल टू आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो ओम लॉ लग गया 40 सेंटीमीटर पे। अब इसमें जो वोल्टेज आपको पता है, करंट बोलो पोटेंशियोमीटर का क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 प्लस 10, तो इसमें करंट क्या होगा, 2 EMF डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, ये रहा आर प्लस 10, तो 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 10 इसका करंट है, और 40 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर ये लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस कितनी है, 10 है, 1 है तो 10/100 है, 40 सेंटीमीटर है तो 10/100 × 40 यानी कि 4 ओम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 ओम, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, राइट?
तो ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर में ये आपके सामने एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की बैटरी है और रियोस्टैट कितनी है, 15 ओम की रियोस्टैट है। यहां पर क्या कनेक्टेड है, ये एक ये जॉकी मूव कर रही है, यहां एक बैटरी कनेक्टेड है 1.5 वोल्ट की, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2 और यहां पर एक्सटर्नल कितनी है 0.3। तो ये आपको डायग्राम गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका, ए और बी का, पूरी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस जो भी निकलेगा अपॉन लेंथ, हमें पता है लेंथ कितनी गिवन है, ए बी की लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस जिसकी 10 ओम है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले बैलेंस करते हैं। जब हम इसको पोटेंशियोमीटर के इसको कॉन्सेप्ट को बैलेंस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आएगी, 0। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 का मतलब है कि ऊपर का करंट ऊपर रहेगा, नीचे का करंट नीचे रहेगा, दोनों आपस में मिक्स नहीं होने वाले। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ए बी लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालूंगा, ए बी का। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका करंट इनटू इसकी रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी की बने 10। करंट आप निकाल लेना, करंट क्या होगा, ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10। तो करंट आ गया ऊपर, ऊपर का करंट आ गया, पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 10। तो मल्टीप्लाई करें, करंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेजिस्टेंस से। तो पूरा ए बी के अक्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, ये देखो करंट आए इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 10, आए इंटू 10 और टोटल लेंथ कितनी है ए बी की 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, वी डिवाइडेड बाय एल। तो वी बाय एल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। अब करंट हम आई निकाल चुके हैं, 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 अभी डिस्कस किया, तो एक पार्ट तो बड़ी आसानी से आ गया, यानी कि कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, या वोल्ट पर सेंटीमीटर में यूनिट आएंगे, कोई डाउट इसमें। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या निकालना है, आपने इस पूरे डायग्राम से कुछ बैलेंसिंग की होगी, बैलेंस करके यहां पर क्या आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी आया होगा, वहां से इसको बैलेंस किया और बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, एओ। आपको निकालना है एओ की वैल्यू क्या होगी, आपको निकालना है एओ क्या होगा, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है एओ, लेकिन कौन किसको बैलेंस कर रहा है, पोटेंशियोमीटर नीचे के सर्किट से पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर उठा रहे हैं, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ऊपर आ जाएगा। अब पोटेंशियोमीटर एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, बैटरी की ईएमएफ वैसे कितनी है, 1.5 वोल्ट है। अगर अकेली बैटरी कनेक्टेड होती तो ये 1.5 का ऊपर भी क्या डेवलप हो जाता, 1.5 ही डेवलप हो जाता। अगर ये 1.5 है तो ऊपर भी 1.5 वोल्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, 1.5 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी है उसके साथ इंटरनल भी है और यहाँ नीचे करंट भी निकल रहा है। अब बैटरी की क्या प्रॉब्लम है, हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सीखा था, बैटरी की क्या प्रॉब्लम है, बैटरी की ये प्रॉब्लम है कि ये 1.5 ऊपर दे नहीं पाएगी, ये 1.5 से कम वैल्यू देगी, क्योंकि अपने अंदर से क्या निकाल रही है, आई डैश करंट निकाल रही है। हाँ, वो करंट ऊपर नहीं जा रहा, करंट नीचे जा रहा है, बात अलग है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो अब ये कितना देगी, ये देगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसकी ई एम एफ कितनी है, 1.5, और यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, आई डैश, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 1.2। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 1.5 माइनस आई डैश इंटू 1.2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, 1.5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिले, थोड़ा कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, 1.5 माइनस इस बैटरी का करंट इनटू 1.2। को डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो यहां से आई डैश क्या होगा, नीचे का करंट क्या होगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1.5 माइनस 1 इंटू इंटरनल कितनी है, 1.2, माइनस करके क्या आएगा, 0.3 वोल्ट। क्या यह स्टेप समझ में आया,
कि बैटरी 1.5 वोल्ट ऊपर नहीं दे पाएगी, बैटरी 1.5 से कम दे पाएगी, कितना देगी 0.3 ही दे पाएगी। क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसमें 0.3 आ गया। अब मुझे ये बताओ यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया? 0.3 वोल्ट, 1.5 तो हुआ नहीं, 0.3 हुआ। तो 0.3 वोल्ट इज इक्वल टू यहां का करंट आए इनटू एओ की रेजिस्टेंस, क्योंकि अब हम ये ओम लॉ कहां पे लगाएंगे? एओ में। तो क्या आएगा? 0.3 इज इक्वल टू ऊपर का करंट आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एओ। तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू ऊपर कितनी निकाली थी हमने? ये निकाली थी 2/15+10, पुट कर दिया। और एओ की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर ये पूरी वायर है 100 सेंटीमीटर की तो रेजिस्टेंस कितनी है? 10। 1 है तो 10/100, एओ है तो 10/100 इंटू एओ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे? 10/100 इंटू एओ। तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एओ। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एओ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा मैं, जबकि फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे खुद, बुक्स भी फॉर्मूलाज यूज करती हैं, पर आपने देखा कि मेरी टेक्निक है उसमें सिंपल ओम लॉ है। आप बस बैलेंसिंग पोटेंशियल निकाल दो, कितना बैलेंसिंग पोटेंशियल है, और बैलेंसिंग लेंथ निकाल दो, तो उस पोर्शन में ओम लॉ लगा दो, अपना अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज करंट। अब प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर की एक और भी है, पोटेंशियोमीटर के अंदर वो आपको डायग्राम कभी कभी नहीं देता, 50% टाइम डायग्राम देगा नहीं आपको वो। अब अगर डायग्राम गलत बन गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज अ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर ऑफ इट, तो 70 सेंटीमीटर पे कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ आ रही होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर ऑफ इट बैलेंसेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम ऑफ द कॉइल सप्लाइड बाय अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। क्या 70 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है? 70 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ कहाँ से आई? वो कह रहे हैं एक बैटरी से आई, 2 वोल्ट की बैटरी है जो कि फर्दर आगे किससे कनेक्टेड है? 2 ओम के साथ कनेक्टेड है। यानी कि पोटेंशियोमीटर को एक बैटरी 2 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और साथ में क्या रेजिस्टेंस है? 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ हमने बैलेंस किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं इसमें रियोस्टैट लूँ या मैं नहीं लूँ, जबकि बाय डिफॉल्ट रियोस्टैट पोटेंशियोमीटर का पार्ट होती है, लेकिन इसमें लूँ या ना लूँ? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो बैटरी नीचे से बैलेंस हो रही है, क्या मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लूँ या मैं नहीं लूँ, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी तो 2 वोल्ट आ जाएगा, अगर होगी 2 से कम वोल्ट आएगा ऊपर। तो मेरा डाउट तब क्लियर हुआ जब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा, वो कह रहा है 70 सेंटीमीटर को इसने बैलेंस किया हुआ है, कह रहा है व्हेन 1 ओम कॉइल इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद 2 ओम कॉइल, 2 के साथ जब एक और ओम पैरेलल में लग जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ 70 की जगह कितनी हो जाती है? 50। इसका मतलब मेरे को 2 बार पोटेंशियोमीटर सॉल्व करना पड़ेगा केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 में। तो पहले 2 ओम के साथ बैलेंसिंग लेंथ कितनी है इसमें? 70, फिर 2 और 1 पैरेलल में तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 50। क्लियर है यहां तक? तो उस केस में वो कह रहा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 वोल्ट। तो चलो एक डाउट मेरा क्लियर होगा, क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो मेरा ये डाउट तो क्लियर होगा, हो गया, क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो आर तो मुझे लेना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? स्मॉल आर लेना पड़ेगा, राइट। अब अभी मुझे डाउट है रियोस्टैट लूँ क्या नहीं लूँ। अब यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है, रियोस्टैट के बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन है नहीं। जब वो पोटेंशियोमीटर मुझे बना रहा था तो उसने रियोस्टैट को मेंशन नहीं किया, नहीं तो वो हमेशा मेंशन करता है कि एक वायर है, वायर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, इसे मेंशन नहीं किया, तो मैंने भी रियोस्टैट को कंसिडर नहीं किया। क्लियर है? हाँ, अगर वो मेंशन करेगा कि इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ एक कैपिटल आर सीरीज में लगा हुआ है, फिर हम रियोस्टैट लेंगे, रियोस्टैट लेंगे नहीं, तो इसमें नहीं लिया मैंने। तो केस नंबर 1, जब 2 वोल्ट के साथ सिर्फ 2 ओम कनेक्टेड है, तो केस नंबर 1 यहां पर कितने वोल्ट डेवलप होगा? क्या 2 वोल्ट डेवलप होगा, 2 वोल्ट से कम होगा? 2 वोल्ट डेवलप होगा या 2 से कम होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, क्योंकि बैटरी नीचे अपना करंट को निकाल रही है, ये बैटरी सर्किट क्लोज है नीचे वाला भी, चाहे अपने पोटेंशियोमीटर को बैलेंस जरूर कर दिया, नो डाउट आपने इसको बैलेंस किया, तो इसका करंट यहीं पे रहेगा,
और इसका करंट यहीं पे रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसका करंट बैटरी में से बाहर निकल रहा है, तो बैटरी 2 वोल्ट यहां पर डेवलप नहीं कर पाएगी, 2 वोल्ट से कम कर पाएगी। कितना कम करेगी? 2 माइनस इस बैटरी का करंट कितना है आई, और इंटरनल कितनी है स्मॉल आर, तो 2 माइनस आई इंटू स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो बैटरी है ये ऊपर 2 वोल्ट नहीं कर पाएगी, 2 वोल्ट से कम करेगी, कितना करेगी 2 माइनस आई इंटू स्मॉल आर। कोई डाउट? बैटरी का अपना करंट क्या होगा बता दो, आई विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बैटरी का करंट भी आ गया यहां पे, क्लियर है यहां तक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा V, वो 2 वोल्ट नहीं होगा, V होगा, और V क्या होगा 2 माइनस I इंटू स्मॉल R। I तो आपने निकाल ही लिया, 2 डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल 2 ये रहा, तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब जो भी V डेवलप होगा उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 70 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि जो भी यहाँ V डेवलप होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे ओम लॉ लगाओ, यहाँ पे ओम लॉ लगा ही नहीं सकता मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे E नहीं पता, ना मुझे इसकी वायर की रेजिस्टेंस पता है, तो मैं कैसे लगाऊँ? तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोपोर्शनलिटी यूज़ कर लूँगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर। और V कितना आया मेरे पास, ये पूरे का पूरा V आया, तो केस नंबर 1 में पूरे का पूरा V प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर, छोड़ो बीच में ये आ गया। लगा लोगे ओम लॉ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको आई डैश निकालना तो आएगा नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? केस नंबर 1 सबको क्लियर है। केस नंबर 2 में वो क्या कहता है, इस 2 ओम के साथ 1 ओम पैरल में लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 2/3। 2 के साथ 1 पैरल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3, तो फिर चेंज कहाँ होगा, 2 माइनस 2 की जगह क्या लगेगा 2/3, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब 2 नहीं रही, 2 की जगह क्या हो जाएगी 2/3, तो बैलेंसिंग लेंथ भी 70 की जगह क्या हो गई 50। तो केस नंबर 1 और 2 क्लियर है? तो केस नंबर 1 में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 70 सेंटीमीटर, केस नंबर 2 में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोपोर्शनल टू 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन 1 ओम इज प्लेस इन पैरेलल विद 2 ओम, तो 2 और 1 जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट क्या बनेगी 2/3, तो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी 50। तो ये सेकेंड केस साथ ही बना लिया, इन दोनों को डिवाइड कर लें, सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली, स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। लगाया मैंने फिर से ओम लॉ, प्रोपोर्शनलिटी या प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा के इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो टेक्निक सबको समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सी लाइन पढ़नी है, डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कॉइल सप्लाइड बाय सेल ऑफ 2 वोल्ट, 2 ओम कॉइल ये रहा बाय 2 वोल्ट। आप सोच रहे हो यहां लगाएं 2 ओम, हाँ 2 ओम ऊपर ले लो, वो कोई फर्क नहीं उसमें, वो तो मैंने आपको सिखाया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, ये सिखाया था। आप इससे पूछोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये बोलेगा E माइनस आई आर। आप 2 ओम को ऊपर लगाना चाहते हो, ऊपर लगा लो, फिर आप बोलोगे I इंटू कैपिटल R, आंसर दोनों में सेम आएगा। आंसर फर्क क्यों आता है, क्योंकि V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक बैटरी की हेल्प से E माइनस आई आर, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से I इंटू कैपिटल R, जिससे मर्जी निकाल लो। राइट? क्या पॉइंट क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोलो। सर बोर्ड्स में भी हम ओम्स लॉ वाले मेथड से कर लें या फॉर्मूला से मेंशन करके करना पड़ेगा? आप जिससे मर्जी करो, आपका आंसर सही आना चाहिए, कर सकते हो। ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता था जो मैंने किया, ठीक। ओके सर। पोटेंशियोमीटर वायर हैज 5 सेगमेंट्स। देखो पोटेंशियोमीटर की जो वायर है ना, ये वायर है, इसके 5 हिस्से हैं, 5 सेगमेंट हैं, ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो बोलो पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ होगी वो कितने मीटर होगी? 5 मीटर होगी। कोई डाउट इसमें? राइट right? तो पोटेंशियोमीटर वायर 5 सेगमेंट की है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर हो गई? 5 मीटर हो गई, ठीक। और 1 मीटर की 1 सेगमेंट जैसे मैंने बताया। तो बैटरी इज यूज टू पास अ स्टेडी करंट थ्रू इट, बता दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 5 सेगमेंट है, मैंने 1 मीटर जरूर लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे कितना? ये 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके अंदर 5 सेगमेंट है, 1 सेगमेंट 1 मीटर है, तो 5 सेगमेंट 5 मीटर है, तो 500 सेंटीमीटर लंबा पोटेंशियोमीटर की वायर है। तो इट इज फाउंड दैट EMF of cell can be balanced by 350 centimeter from zero end. तो ऐसे केस में एक बैटरी को बैलेंस करने की कोशिश की, तो बैटरी बैलेंस हो गई, और कितने बैलेंसिंग लेंथ पर? 350 सेंटीमीटर पे। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब वो क्या कह रहा है, नाउ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ओनली 4 सेगमेंट। वो कह रहा है ठीक है, अब बैटरी पहले 5 के साथ यूज किया, अब हमने कितने सेगमेंट यूज करने हैं? 4 सेगमेंट यूज करते, यानी कि अब पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी मानी जाएगी? 400 सेंटीमीटर। दो केस बने। पहला केस बना जब जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लंबाई 500 सेंटीमीटर। दूसरा केस कि पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई कितनी? 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेगमेंट यूज हो रहे हैं। बैलेंस किसको कर रहे हैं? वही बैटरी को, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। ई बैटरी है। राइट, क्लियर है यहां तक? तो ई बैटरी को बैलेंस कर रहे हैं 500 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है जब हमने 350 सेंटीमीटर के साथ बैलेंस किया, जब 500 सेंटीमीटर लंबी वायर ली तो बैलेंसिंग लेंथ 350 आई। ई मुझे नहीं पता कितनी है। वो कह रहा है कि ये बताओ कि अगर मैंने बैटरी को 4 सेगमेंट के साथ यूज किया तो बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर है, तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ दूसरे केस में क्या होगी? 500 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं तो 350 पे आती है, 400 सेंटीमीटर अगर लेते हैं पूरी पोटेंशियोमीटर की वायर तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आएगी, ये बताना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम क्या है? जब मैं ओम लॉ यहाँ लगाता हूँ ना 350 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ का करंट और इनटू यहाँ की रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस मुझे गिवन नहीं, सिर्फ लंबाई लंबाई गिवन है। इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस तो मुझे पता नहीं, सिर्फ क्या गिवन है? लेंथ पता है। और दूसरी केस, दूसरी चीज, इसने रियोस्टैट मेंशन फिर से नहीं किया, तो मैंने रियोस्टैट नहीं लिया, ठीक। और वैसे भी मैंने लिख दिया निगलेक्ट रियोस्टैट ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने लिख दिया, बिल्कुल मैंने लिखा, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में तो ऐसे ही था। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब तक रियोस्टैट मेंशन ना हो लेना नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सही टेक्निक है, ध्यान से सुन लो। जब वायर की सिर्फ लंबाई गिवन हो और रेजिस्टेंस ना गिवन हो, तो आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना यहीं से। मान लो इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस अज्यूम करो कितनी है? स्मॉल आर है। टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोला मैंने, कितने सेंटीमीटर की बोला? 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो बोलो 500 सेंटीमीटर की कितनी है? 500 आर है। दूसरे केस में 400 सेंटीमीटर की कितनी है? 400 आर है। बैलेंसिंग लेंथ 350 है, तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी है? 350 इंटू आर है। देखो हो गया ना, एक सेकंड में काम खत्म। हाँ, आर को हम एलिमिनेट एंड में करेंगे, पर हमारे लिए बहुत आसान हो गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो केस नंबर 1,
पूरी वायर 500 सेंटीमीटर है तो रेजिस्टेंस कितनी है, 500 आ रहे हैं। ई और ई बैलेंस, अगर ये ई है और यहाँ से करंट तो बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि तो बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर भी क्या डेवलप होगा, ई ही डेवलप होगा। यहाँ पर जो कैपिटल ई डेवलप होगा, यहाँ पर जब मैं ओम लॉ लगाऊंगा तो ई इज इक्वल टू यहाँ का करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये स्टेप क्लियर है, केस नंबर वन में ई इज इक्वल टू यहाँ का करंट ऊपर का करंट आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350। अब आई क्या होगा, यहाँ पे आई ई डैश डिवाइडेड बाई पूरी वायर की रेजिस्टेंस, और पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 500 आर। तो करंट क्या होगा ऊपर वाले सर्किट में, ई डैश डिवाइडेड बाई 500 आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे पुट करें ई इज इक्वल टू ई डैश बाई 500 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 350 कितनी है, 350 आर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? यहाँ से काम करेंगे स्मॉल आर से, जब वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल आर से स्मॉल आर ऑटोमेटिकली कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो 7/10 ई डैश आएगा। करेक्शन करो, 7/10 ई डैश, तो ई और ई डैश में रिलेशन आ गया, करेक्शन है 7/10 ई डैश। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आपने क्या निकाल दिया, ई और ई डैश में फर्स्ट केस में रिलेशन निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, केस नंबर टू, केस नंबर टू में देखो, केस नंबर टू में आपके पास कितने सेगमेंट हैं, चार। चार का मतलब कितने सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू एक सेंटीमीटर की कितनी है, आर, तो कितना आ गया, 400 आर, राइट। तो फिर से शुरू करें, अब ये ई है तो ऊपर भी क्या डेवलप होगा, ई ही डेवलप होगा, ये ई तो ऊपर भी ई। यहाँ पर जो ई होगा, यहाँ पर जो कैपिटल ई होगा वो किसे बैलेंस करेगा, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है मान लो स्मॉल एल, तो ओम लॉ लगाओ फिर से, ई यहाँ पर ई इज इक्वल टू यहाँ का करंट इनटू लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। तो ई इज इक्वल टू ई डैश बोलो कि इसमें करंट क्या होगा, ई डैश डिवाइडेड बाय चार सेगमेंट की रेजिस्टेंस कितनी है, 400 आर। तो करंट आ गया इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ क्या होगी, एल आर, आर से आर कैंसिल। इस ई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं 7/10 ई डैश, ई डैश ई डैश क्या हो जाएगा, कैंसल। सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्मॉल एल कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट सबको समझ में आया यहां तक, इस सेगमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक,